चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग द न्यू रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस अगर स्ट्रेच किया जा रहा है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। इट मींस आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर के होगा, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, तो एल स्क्वायर के अगर लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है तो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इट मींस आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल का स्क्वायर अपॉन एल इनिशियल का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा 10% इंक्रीज कर रहा है लेंथ, ठीक है। इट मींस एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल का 10%। तो एल फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इनिशियल को अगर आप कंसिडर कर लो एल थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा L प्लस L इंटू 10% का मतलब 10/100 जीरो जीरो गया। L फाइनल की वैल्यू कितनी होगी, L प्लस L अपॉन 10 या 11L बाय 10 L फाइनल की वैल्यू हो गई। अब ये L फाइनल और L, ये L है मतलब L इनिशियल है, तो L फाइनल अपॉन L इनिशियल इज इक्वल टू 11/10 होगा। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, R फाइनल अपॉन R इनिशियल इज इक्वल टू 11/10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 121/100 यानी 1.21 R फाइनल अपॉन R इनिशियल, ठीक है। इट मींस इसको आप लिख सकते हो क्या, R इनिशियल की वैल्यू कितनी है 10 ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, R फाइनल इज इक्वल टू 12.1 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 12.1, ये ऑप्शन ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।